हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट योरसेल्फ विद नीरज सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हम सभी शिक्षक पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करते थे, परंतु अब हमारे प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और हमें शिक्षण कार्य करना होगा, तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अब हमें पाठ योजना के स्थान पर शिक्षण योजना बनानी होगी। पाठ योजना में हम एक पूरे पाठ का लेसन प्लान बना लेते थे, लेकिन शिक्षण योजना थोड़ी इससे अलग है। इसमें आपको एक पाठ की कई शिक्षण योजना भी बनानी पड़ सकती हैं, क्योंकि एक पाठ में केवल एक लर्निंग आउटकम तो होता नहीं है, एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा उसमें लर्निंग आउटकम होंगे, उतनी ही आपको उसकी शिक्षण योजना बनानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कक्षा एक गणित की शिक्षण योजना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस प्रकरण में बच्चों को एक से दस तक की गिनती का ज्ञान कराना है। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिन्हें मैं YouTube चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ अपने WhatsApp ग्रुप में भी पोस्ट करता हूं। अगर आप मेरे WhatsApp ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे WhatsApp नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने WhatsApp ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करके मेरे WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा एक गणित शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है बच्चों को एक से दस तक की गिनती का ज्ञान कराना। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, जिसमें दिनांक लिखा होगा, कक्षा, विषय, प्रकरण और समय। कक्षा एक है, विषय गणित है और प्रकरण है एक से दस तक की गिनती का ज्ञान कराना। इसके जो हमारे लर्निंग आउटकम हैं, बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं की सामान्य जानकारी करानी है। नंबर दो है, बच्चे सामान्य रूप से वस्तुओं की संख्या बता पाएं, एक लर्निंग आउटकम ये है। और एक है, बच्चों की गिनती करके संख्या बता सकते हैं, मतलब बच्चे गिनती करके संख्या बता पाएं, ये हमारे लर्निंग आउटकम हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, माचिस की कुछ तीलियां लेंगे, एक माचिस रख सकते हैं आप अपने पास और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ये आप अपने टेबल पर रखें। अब बात आती है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसमें आप चार कॉलम बना लेंगे, एक क्रम संख्या का, एक चरण, समय और आकलन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षक छात्रों को गोलाकार आकृति में बैठा लेंगे। इसका समय 10 मिनट है और इसमें आकलन का जो तरीका है वो होगा अवलोकन एवं सहभागिता। शिक्षक बच्चों पर ध्यान रखेंगे, उनका अवलोकन करेंगे और उनके साथ सहभागिता भी करेंगे। हमें क्या करना है, अपनी कक्षा एक के कुछ बच्चों को, मतलब जो हमारी कक्षा में बच्चे हैं, उन्हें दो समूह में बैठाएंगे हम। मान लीजिए कक्षा में 12 बच्चे हैं, एक में 5 बच्चे बैठा लेंगे और एक में 7 बच्चे। एक का नाम रख देंगे भूमि समूह और एक का नाम आकाश समूह। भूमि समूह में बालिका बैठा लेंगे और आकाश समूह में बालक बैठा लेंगे। अगर आपकी कक्षा में बच्चे ज़्यादा हैं तो आप उन्हें उसी के हिसाब से डिवाइड कर लें अपने हिसाब से। तो इस तरह से दो समूह बना लेंगे, बालिका और बालकों का। बालिका के समूह का नाम रख देंगे भूमि समूह और बच्चों का, जो लड़के हैं उनका समूह का नाम रखेंगे आकाश समूह। अब हम क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आपके दोनों हाथों में कुल कितनी उंगलियां हैं, हमारे पास कितने कान हैं, मेज पर कितनी वस्तुएं हैं,
कितने बच्चों को खेलना पसंद है? जब आप पूछोगे कि आपके दोनों हाथों में कुल कितनी उंगलियां हैं, तो आपको बच्चे जवाब देंगे, कोई 4 बताएगा, कोई 5 बताएगा, कोई 8 बताएगा, वो गिनेंगे, अपने आप गिनेंगे और आपको बताएंगे। जब आप बच्चों समूह में बैठा लेंगे, उनसे अलग अलग सवाल करेंगे, तो वो बताएंगे हमारे पास कितने कान हैं, तो बच्चे खड़े होकर बताएंगे कि हमारे पास तो 2 कान हैं। मेज़ पर आपने पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर छोटे छोटे टुकड़े, आप पूछ सकते हैं दिखाकर बताओ ये कितने टुकड़े रखे हुए हैं, कितने हैं, क्या सामान रखा है, तो बच्चे बताएंगे जी माचिस की डिब्बी रखी हुई है, कुछ पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर कितने हैं, तो बच्चे बताएंगे 4 कंकड़ रखी हुई हैं। इस तरह से आपको बच्चे जवाब देंगे। तो अब बारी आती है जो शिक्षण के दौरान क्या करना है। शिक्षक छात्रों को 2 समूहों में खड़ा कर लेंगे और इसके लिए बच्चों को एक गतिविधि कराएंगे। गतिविधि का जो समय होगा 20 मिनट और जो आकलन का तरीका होगा वो बातचीत और सहभागिता। शिक्षक कक्षा से एक बालक और बालिका को खड़ा करेंगे और बैठे हुए सभी बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी समूहों में जाने को कहेंगे। अब एक बालक समूह एक बालिका समूह को कोई भी नाम देगा, जैसे कि हमने आपको बताया भूमि समूह व आकाश समूह। अब समूह में उपस्थित प्रत्येक बच्चा बारी बारी से अपने समूह में उपस्थित सभी बच्चों की गिनती करेगा। शिक्षक सभी बच्चों की बताई हुई गिनती को शाम पट पर लिखेंगे, इस तरह से ऐसे लिखेंगे। मान लो एक बच्चा खड़ा हुआ, एक बच्चा इधर से इधर आया, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, इसके सामने अंकों में लिख देंगे और शब्दों में, फिर 2 के सामने 2 लिख देंगे और फिर शब्दों में लिखेंगे 2, इस तरह से लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आपको लिखना है अंकों में भी और शब्दों में। जैसे जैसे बच्चे इधर से उधर जाएंगे, बच्चों को तो इसमें खेल नज़र आ रहा है, जब आप कहोगे उनसे कि आप अपनी पसंद के समूह में जा सकते हैं, तो वे तुरंत बारी बारी से उठना शुरू हो जाएंगे और इधर से उधर जाएंगे। जैसे ही एक बच्चा इधर से उधर गया, तो आप उन्हें गिनती लिख देंगे इस तरह से, तो इसे बच्चों को थोड़ी रोचकता नज़र आएगी। इसके बाद हम एक गतिविधि और कराएंगे, बच्चों को करा सकते हैं एक गतिविधि और। शिक्षक छात्रों को गोले में बैठाकर राजा का बेटा कविता का सैस्वर लयबद्ध एवं हाव भाव के साथ वाचन करेगा और सभी बच्चे साथ साथ दोहराएंगे। इसका समय भी 20 मिनट होगा और इसका जो आकलन का तरीका होगा वो होगा अवलोकन एवं सहभागिता। तो कविता का जब पाठ करेंगे बच्चे ऐसे, पहले शिक्षक बोलेंगे एक बड़े राजा का बेटा, फिर बच्चे बोलेंगे एक बड़े राजा का बेटा 2 दिनों से पलंग पे लेटा, फिर आपके साथ साथ बच्चे ही बोलेंगे 2 दिनों से पलंग पे लेटा, 3-3 डॉक्टर देखने आए, 4 दवा की पुड़िया लाई, 5 मिनट में घोल बनाया, 6-6 घंटे बाद पिलाया, 7 मिनट में होश में आया, 8 दिन में नैना खोले, 9 दिन में ली अंगड़ाई, 10 दिन में माँ से बोला करनी है बहुत पढ़ाई। तो इस तरह से आप भी बोलेंगे और बच्चे भी साथ साथ बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि इस कविता में 1, 2, 3 से लेकर 10 तक की गिनती आई हुई है, और जब आप लयबद्ध वाचन करेंगे तो बच्चों को इसे बहुत इंटरेस्ट आएगा, वो आपके साथ साथ बोलेंगे, पूरे उत्साह के साथ बोलेंगे। तो इससे बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती का इस तरह से ज्ञान हो जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षण के बाद आप बच्चों को कुछ तीलियां वितरित करेंगे। जैसे माचिस की डिब्बी रखी है आपके पास, इसमें 10 मिनट का समय लगेगा और अवलोकन एवं सहभागिता ही इसका आकलन का तरीका है। तो आप बच्चों को तीलियां दे देंगे, किसी को 3, किसी को 4, पूछेंगे बताओ आपके पास कितनी तीलियां हैं, बच्चे आपको अपना जवाब बोलकर बताएंगे कि मेरे पास तो 4 तीलियां हैं या मेरे पास 5 तीलियां हैं, वो आपको बोलकर भी दिखा सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं ज़रा लिख के दिखाओ 4, यहाँ लिखो कितनी तीलियां हैं आपके पास। आप उन्हें बोर्ड पर बुला सकते हैं, अपने पास एक कापी रख सकते हैं कि यहाँ लिख कर दिखाओ मुझे आपके पास कितनी तीलियां हैं। तो बच्चे बारी बारी से आकर बताएंगे आपको, इस काम में भी उसको इंटरेस्ट आएगा, पूरी रोचकता बच्चों को आएगी, वो आपका पूरा साथ देंगे। इस तरह से आप बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। जब आप होमवर्क देंगे उनको, तो बच्चों की कापी में शिक्षक गिनती लिखेगा,
जिसे बच्चों को दो दो बार स्वयं से लिख कर लाना है। आप उनकी कापी में 1 से 10 तक की गिनती लिख दें और सब बच्चों से कहें कि आपको ये 2 बार लिख कर लानी है। यह आपका होमवर्क है। फिर आगामी कार्य योजना, इसमें क्या करेंगे हम, जो शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों एवं बच्चों के अधिगम के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाता है। आपको जो कठिनाई नज़र आई हो या बच्चों के अधिगम के आधार पर जो भी आपको महसूस किया हो, आप उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो से बहुत शिक्षकों को फ़ायदा हो सकता है। बहुत भाइयों को हमारे वीडियो बनानी, इस वीडियो से मदद मिलेगी। कुछ को शिक्षण योजना बनानी आती है, कुछ को बनाने में दिक्कत भी हो सकती है, तो ये इस तरह से आपके काम आएगी। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अन्य मित्रों के साथ, साथ ही मेरा चैनल भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।